Now we have to start with the balancing of ledger accounts. ये जो ledger accounts है इसका भी balancing करना है. Cash account जो है, cash account का debit side total, cash account का debit side total ये 16,600. इसमें से credit side minus करना है. कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है 16,600. ये सेम लाइन में क्रेडिट साइड पे लिया है. फ्रॉम 16,600 ये कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो फिगर्स है ये सारे फिगर्स आपका इसमें से माइनस करना है. तो फ्रॉम 16,600 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द क्रेडिट साइड टोटल ऑफ द कैश अकाउंट. रिमेनिंग अमाउंट है 5,450. कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है 16,600. ये सेम क्रेडिट साइड के लिए है. फ्रॉम 16,600 आई सब्ट्रैक्टेड ऑल द फिगर्स रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो फिगर्स है ये सारे फिगर्स का जो टोटल है ये टोटल आपको 16,600 में से माइनस करना है. एंड जो रिमेनिंग अमाउंट आया 5,450, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट. ये 5,450 को डेट लिखना है मार्च महीने का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. मार्च महीने का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,450. ये अमाउंट को आपको अपोजिट साइड पे लेना है. ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसको अपोजिट साइड पे लेना है. नेक्स्ट मंथ अप्रैल डेट 1-2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,450. तो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल क्या है 16,600. ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे है. एंड फ्रॉम 16,600 ये कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो फिगर्स है ये सारे फिगर्स हमने माइनस किए. तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 5,450, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट. इसको लिखा है डेट 31 बैलेंस कैरिड डाउन अपोजिट साइड पे लिया बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट अकाउंट है दिलीप्स कैपिटल. दिलीप्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल है 10,000. ये सेम डेबिट साइड लेना है. डेट लिखना है 31 मार्च महीने का लास्ट डेट 31-2 बैलेंस कैरी डाउन 10,000 मार्च 31-2 बैलेंस कैरी डाउन. इसको अपोजिट साइड पे लेना है. April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. दिलीप्स कैपिटल का क्रेडिट साइड है 10,000. सेम डेबिट साइड पे लिखा है. डेट लिखा है मार्च 31-2 बैलेंस कैरी डाउन 10,000. अपोजिट साइड पे April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड है 500. ये सेम क्रेडिट साइड पे आएगा. क्रेडिट साइड पे डेट 31 मार्च महीने का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500. अपोजिट साइड पे लेना है April 1-2 बैलेंस ब्रॉट डाउन
500, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 500, सेम क्रेडिट साइड पे लिखा है, डेट लिखा है क्रेडिट साइड पे 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन 500, अपोजिट साइड पे लिया है April 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। शाह अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये दोनों इक्वल है, शाह अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल, तो यहां पे सिर्फ आपको टोटल लिखना है 500 500। तो शाह अकाउंट में बैलेंस शीट बना दे। गुड्स अकाउंट जो है, गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल करना है, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है। गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड ग्रेटर है तो गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 19,700, गुड्स अकाउंट जो है, गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 19,700, ये सेम लाइन में क्रेडिट साइड पे लिया है, 19,700 में से ये क्रेडिट साइड माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको डेट लिखना है 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस आएगा आपका 13,100। बैलेंस को अपोजिट साइड लेना है April 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,100। गुड्स अकाउंट जो है, गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 19,700, ये सेम लाइन में क्रेडिट साइड भी है, एंड 19,700 में से ये क्रेडिट साइड के दोनों फिगर माइनस किए, तो 19,700 में से ये दोनों माइनस किए, रिमेनिंग को डेट लिखा है 31, मार्च का लास्ट डेट 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन, रिमेनिंग अमाउंट है 13,100, इसको अपोजिट साइड के लिए April 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,100। अमीन अकाउंट जो है, अमीन अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट ये दोनों इक्वल है, अमीन अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल, तो अमीन अकाउंट में बैलेंस इज नॉट देयर, अमीन अकाउंट में बैलेंस नहीं है। मेहता अकाउंट का क्रेडिट साइड 9,800, ये सेम डेबिट साइड पे लेना है, डेबिट साइड पे डेट 31, टू बैलेंस कैरी डाउन 9,800, अपोजिट साइड पे April 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,800। तो मेहता अकाउंट जो है, मेहता अकाउंट का क्रेडिट साइड है 9,800, ये सेम डेबिट साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे डेट लिखा है मार्क 31, टू बैलेंस कैरी डाउन 9,800, अपोजिट साइड पे है April 1st, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,800। सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड 500, ये सेम क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे डेट 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन 500, अपोजिट साइड April 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 500, सेम क्रेडिट साइड पे लिया, डेट लिखा है मार्च 31, बाय बैलेंस कैरी डाउन 500, अपोजिट साइड पे लिया April 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। रेंट अकाउंट का डेबिट साइड 250, सेम क्रेडिट साइड लिखना है,
क्रेडिट साइड पे डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 250 एंड अपोजिट साइड पे एप्रिल 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 250 तो रेंट अकाउंट जो रेंट अकाउंट का डेबिट साइड 250 सेम क्रेडिट साइड पे है क्रेडिट साइड पे डेट लिखा है मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 250 अपोजिट साइड पे है एप्रिल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 250 तो दिस वाज द बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द नेट ट्रायल बैलेंस नेट ट्रायल बैलेंस जो है बैलेंसिंग के बाद आपको करना है नेट ट्रायल बैलेंस नेट ट्रायल बैलेंस को तीन कॉलम्स करना है पहला फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स सेकेंड कॉलम है डेबिट रुपीस एंड नेक्स्ट कॉलम है क्रेडिट रुपीस पहला अकाउंट है आपका कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट में ये एप्रिल 1 को जो लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5450 ये फिगर आपको नेट ट्रायल बैलेंस पर लिखना है कैश अकाउंट का एप्रिल 1 का जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5450 ये आपको नेट ट्रायल बैलेंस पे लिखना है ये बैलेंस कैश अकाउंट को बैलेंस ही आपका डेबिट साइड पे कैश अकाउंट को बैलेंस आपका डेबिट साइड पे तो अमाउंट आपको नेट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखना है कैश अकाउंट 5450 इन द डेबिट कॉलम सेकेंड अकाउंट है दिलीप्स कैपिटल अकाउंट दिलीप्स कैपिटल अकाउंट का एप्रिल 1 में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 दिलीप्स कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन ये क्रेडिट साइड पे तो नेट ट्रायल बैलेंस में दिलीप्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में लिखना है अमाउंट इन द क्रेडिट कॉलम 10,000 फर्नीचर अकाउंट में अप्रैल 1 को लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 तो फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस है आपका 500 है डेबिट साइड पे तो नेट ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर अकाउंट अमाउंट डेबिट कॉलम में 500 शाह अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल है तो शाह अकाउंट को बैलेंस नहीं है तो नेट ट्रायल बैलेंस में आपको शाह अकाउंट नहीं लिखा तो भी चलेगा शाह अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल तो नेट ट्रायल बैलेंस में आपको शाह अकाउंट नहीं लिखना है गुड्स अकाउंट का अप्रैल 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 13,100 गुड्स अकाउंट का अप्रैल 1 का बैलेंस है 13,100 ये आपको नेट ट्रायल बैलेंस में गुड्स अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है 13,100 गुड्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,100 ये डेबिट साइड पे तो गुड्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड इसके लिए नेट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में फिगर लिखा है अमीन अकाउंट जो है अमीन अकाउंट का आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल है अमीन अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल तो नेट ट्रायल बैलेंस में आपको अमीन अकाउंट लिखना नहीं है मेहता अकाउंट को अप्रैल 1 को है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,800 ये क्रेडिट साइड पे मेहता अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे तो नेट ट्रायल बैलेंस में मेहता अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 9,800 सैलरी अकाउंट
सैलरी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, ये डेबिट साइड पे सैलरी अकाउंट बैलेंस हुआ 500 डेबिट साइड पे, और लास्ट अकाउंट है रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट का बैलेंस 250, ये भी डेबिट साइड पे। देर आफ्टर ये नेट ट्रायल बैलेंस का आपको टोटल करना है, और ये जो टोटल है ये आपका इक्वल आएगा, नेट ट्रायल बैलेंस का टोटल डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम 19,800, नेट ट्रायल बैलेंस हुआ डेबिट एंड क्रेडिट टोटली इक्वल आएगा। तो नेट ट्रायल बैलेंस का टोटल है आपका 19,800।